भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल के महाराष्ट्र अध्यक्ष हाजी अराफात शेख के जन्मदिवस पर रविवार को शाम कुर्ला पश्चिम में उनके आवास पर धूमधाम से मनाया गया। भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष वासी नाका चिंबूर के निवासी जयप्रकाश अग्रवाल जेपी ने महाराष्ट्र का फेमस पुनेरी ढोल के साथ पहुँचे। पुनेरी ढोल की गूंज से बर्थडे को शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया गया। साथ ही सड़कों पर भारी भीड़ के साथ बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। साथ ही जेपी अग्रवाल ने बताया कि हाजी अराफात के साथ हमारा बंधन अटूट है, हम सभी के वे चहेते हैं, जनता के लिए काम करने वाले नेता हैं, इसलिए बर्थडे पर इतनी भीड़ उमड़ी है। हाजी अराफात एक जनसेवक नेता हैं, हम उन्हें जन्मदिवस की बधाई देने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। यही मेरी कमाई है, पिछले कई सालों से मैं वाहतूक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, यूनियन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, एक गरीब रिक्शा वाला, गरीब टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, एक ऐसी यूनियन चला रहा हूँ। उनकी दुआओं के बदौलत ही आज मैं हूँ, उनकी दुआओं के बदौलत मैं मंत्री बना, और आज ये पूरा मैं देख रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र भर में जिस तरीके से जोश जल्लोश मनाया जा रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक मुस्लिम कार्यकर्ता होने के मैं अभिमान करता हूं कि इतने बड़ी संख्या के अंदर उलमा है, पीर है, मेरे दोस्त है, उलमा सारे मौलाना है, मेरे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, खाटिक समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहां पे सुबह से पहुंचे, एक्चुअली कल रात से पहुंचे, और हर कोई अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहा है। यही मेरी ज़िंदगी की पूंजी है, यही कमाई है। लोग दौलत कमाते हैं, हाजी अराफात शेख ने जन संपर्क कमाया है, और उनकी दुआओं के बदौलत ही इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ूंगा। जिन जिन लोगों ने ये सारी चीज़ों के अंदर पूरी पूरी ताकत लगाई है, कई हॉस्पिटल में कई फ्रूट वाटप का कार्यक्रम किया, कोई गरीब यतीम मिस्कीनों को कपड़े वाटप का काम किया, हर जगह हर विभाग के अंदर अलग अलग तरीके से, कोई सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा की, किसी ने दरगाह में चादर चढ़ाई, इन सब लोगों का मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भविष्य में ये सारे लोगों के साथ मैं पूरी ताकत के साथ, पूरे विश्वास के साथ, जो प्यार इन्होंने दिया उससे कई गुना ज़्यादा मैं जब तक था हयात हूँ तब तक इनके साथ इनका साथ दूँगा इंशाअल्लाह। ये मेरे माँ बाप की दुआ है, हमारी ज़बान अच्छी होगी, हमारा एक अखलाक अच्छा होगा, हम लोगों से जात पात बाजू में रख के एक मोहब्बत का, इंसानियत की बातें अगर हम करेंगे तो लोगों को भी समझ में आता है, तब हम लोगों के आँख में आँख मिला के बात कर सकते, यही इसका सबूत है। आज पूरे महाराष्ट्र भर में जिस तरीके से हर समाज का व्यक्ति मेरे साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा है, और हर कोई आ रहा था जिनके पास एक जल्लोश था, जोश था, खुलूस था, या कि एक सेलिब्रिटी हमारी ईशा कोप्पिकर खुद नाच रही थी, एक दो ढाई घंटा वो अपना एक खुशी जाहिर कर रही थी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इन ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखूँगा, और बेहतर क्या कर सकता हूँ, और कि इन लोगों की जो उम्मीदें अपेक्षा जिस मुझसे है, इस सरकार से है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, मैं देवेंद्र जी को कहकर, आशीष शेलार जी को कहकर, एकनाथ शिंदे जी को कहकर, जो जो मेरे साथ में लोग जुड़े हुए, इनका विकास किस तरीके से होगा, इनका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, पूरा बारीक ध्यान है। 100% जाते जाते कुछ इतिहास तो रच के जाऊंगा, भविष्य के अंदर जब जाऊंगा दुनिया से तो लोग ये कहना चाहिए कि हमने एक अच्छे इंसान को लॉस किया। हर एक जैसे आज जोश दिखा रहे थे, वैसे सबकी आँख नम होनी चाहिए कि हमने किसी को अच्छे इंसान को लॉस किया, वो कमाना इम्पोर्टेंट होता है, ना कि पैसा और दौलत। इंशाल्लाह ताला जाते जाते मेरे लोगों का कुछ ना कुछ एक काया पलट और अच्छा भला करके जाऊँगा। सबसे पहले मैं पूरे महाराष्ट्र के तरफ से और मेरे पूरे परिवार के तरफ से, मेरे पूरे भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल की तरफ से, जो हमारे तरुणाई के आदर्श स्तंभ है, हमारे बॉस हाजी अराफात शेख साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ। हाजी साहब ने मतलब आज भारतीय विद्यार्थी सेना से मैं हाजी भाई के साथ जुड़ा हूँ, काम करते करते हाजी भाई के 45 साल पूरे हो गए, 45 साल पूरे होते भाई ने धीरे धीरे बैटिंग की, और 30 लाख खाटिक समाज के अध्यक्ष हुए, और 7.5 लाख ट्रांसपोर्ट सेल के जो मेंबर है, जो हमारे टेम्पो वाले हो गए, टैक्सी वाले हो गए, ऐसे इन्होंने 37.5 लाख लोग तो जमाए हैं। उसके बाद भी जब ही अभी इनका काम कोविड में, भाई जब कोविड हुआ था भाई को, वो टाइम पे इन 37.5 लाख लोगों की दुआओं से भाई आप अपना 46वां जन्मदिन मना रहे, और 46 में 4 और 6 आता है, इसके आगे भाई चौका और छक्का मारेंगे, और पूरे
ट्रांसपोर्ट से और पूरे खाटिक समाज के लिए और पूरे हमारे तरुण आदर्श स्तंभ है जो हमारे सब तरुणों के लिए जो जहाँ जहाँ आज मैं एक छोटा सामान्य व्यक्ति था, भाई के आशीर्वाद से आज एक उद्योगपति हुआ, तो मेरे पीछे भी ऐसे बहुत जन है जो मेरे वजह से उनका घर चल रहा है, मेरा घर भाई के वजह से चल रहा है। इसके लिए मेरे परिवार और मेरे साथ जुड़े सभी दोस्तों की तरफ से मैं हाजी अरफा शेख साहब को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। हाजी भाई को मंत्री पद हमारे लिए मंत्री है, हाजी भाई हमेशा हमारे दिल में मंत्री बोल के रहेंगे, लेकिन जब कोई पार्टी में काम करते तो भाई के जो कार्यकर्ता है उनकी तो अपेक्षा है, लेकिन भाई मंत्री होना चाहिए ये वरिष्ठों की भी अपेक्षा है। तो जो अभी ये विस्तार होएगा उसमें इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, मेरे सारे देवताओं से दुआ करूंगा कि विस्तार में सबसे पहला जो परिवहन खाता है उसमें हमारे हाजी साहब का ही नाम आवे, ये मैं दुआ करता हूँ। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।